एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम आ गए हैं आपके आप बोले और हम ना करें ये हो नहीं सकता। तो आपके रिक्वेस्ट पे हम फिर से लेके आए हैं लॉरेंस बिश्नोई का एटीट्यूड वीडियो पार्ट 3। वी आर हियर विद इट टुडे। और जो इसके पहले वाले वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए थे कि यार पार्ट 3 वाला लाइक जल्दी लाओ, मतलब वीडियो पोस्ट किया ही नहीं था कि यार लोग कमेंट करने लगे थे पार्ट 3। तो ये बात तो है। एंड ऑल्सो इसके पहला वाला भी जो मैंने बोला था कि खालिस्तान ये क्या है, तो मैंने पूछा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो आप लोगों ने बोला उसके बारे में। थैंक यू यार, मतलब मैं जो भी पूछती हूँ ना आप लोग इन्फॉर्मेशन मुझे दे देते हो, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। एंड एक्चुअली वो ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं, लाइक पंजाब अलग एक व्हाट यू कैन से अलग काइंड ऑफ देश या ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन मुझे नहीं पता, तो वो भी बता दो यार। लाइक अभी तो मतलब अच्छा ही चल रहा है ना सब कुछ, लाइक इंडिया के अंदर क्यों ऐसा होना है आई जस्ट डोंट नो। एंड ऑल्सो लॉरेंस बिश्नोई वो ऐसा ना हो, दैट इज वाई इज बीन ट्राइंग टू लाइक कीप ऑल देम अप। और बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू हमें दिखाई देते हैं लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पे। सो आज जो थग लाइव वाले ये जो मूवमेंट है या एटीट्यूड वीडियो फॉर लॉरेंस बिश्नोई वाला वीडियो, हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था कि ये हमारा दुश्मन है, अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बढ़ती कार्रवाई करो इसके। 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता था। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो कितना मर्जी पकड़ तगड़ा नेता हो, कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। मारने की बात करे तेरे यार के, ओ काट मार रे छोरा राव साहब। एक्चुअली ये बहुत छोटा था तभी गया था जेल, सब बीमार बेटा हाथ मेरे का सारा आपके परिवार के भी, आप भी आवाज तो उठाओगे, कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के को इन्हीं गैंगस्टर थे या ये गुंडर गुंडर, इन्होंने मेरे बुआ जी के लड़के को मरवा दिया। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, इतने बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर देखे नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए, तो यही है तब से, कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं। सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है, इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात यह है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है, और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको, सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे। एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे। वो चीज सर कबूल कर ली सर। अब जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना है। अरे भाई अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस। सर गैंग को पकड़ो, मेरे को तो ये देख लो सर, मेरी तो ये बंद रहती है, तो अच्छा हो गया आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक है। एक अपराधी होने के बावजूद भी पब्लिक लॉरेंस बिश्नोई को क्यों पसंद कर रही है, इस सूत्र से समझते हैं। धर्मेन जयति लोकान, यानी जो व्यक्ति समाज की आस्था को जीतता है वो व्यक्ति लोगों के दिलों को भी जीतता है। कैसे? बिश्नोई ने सबसे पहले 2017 में सलमान खान को धमकी दी। उस वक्त पूरे देश में लोगों के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई कि सलमान खान को धमकी देने वाला ये बंदा कौन है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जिस बिश्नोई समाज से आता है उस समाज ने प्रकृति और जानवरों को आस्था का प्रतीक माना है, और इस आस्था के कारण सलमान का विरोध, इस बात ने लोगों में उसकी तरफ देखने का नजरिया बदला। दूसरा, जब किसी इंटरव्यूअर ने उसे खालिस्तान के बारे में पूछा, लॉरेंस ने कहा कि मेरा गांव भी। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें, ठीक है, कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। मैं बता रहा हूँ यूके हाई कमीशन के सामने से खड़ा होना बंद हो जाएंगे पाकिस्तानी, खालिस्तानी माफ कीजिएगा, जितने भी वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे ना, एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना, जरा इस सब के सब चुप हो जाएंगे,
पीस हो जाएगा बिल्कुल अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की वो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से दे आर सो स्केर्ड ऑफ हिम इनका बाप है बाप इनका दद्दू है वो आप क्या समझते हो अपने आप को हो क्या आप अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ अभी तक घर नहीं गया ठीक है स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए काम नहीं करते सर जान पहचान है दोस्ती है वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो हमारी हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है दिल से दोस्ती भी है दोस्ती निभाने वाला भी चाहिए यार दोस्ती किया है तो यू नो बहुत ये है एंड ये जो अभी सिद्धू मूसेवाला का जो बोला है सिर्फ लॉरेंस ने उनके गैंग को या उनके फ्रेंड्स को सिर्फ एक बात बोला था अगर अच्छे से समझ आए तो ठीक है वरना व्हाट यू कैन से फिनिश इट ऑफ एंड भाई जो आप लोगों ने मैंने पूछा था ना कि यार क्यों मतलब लॉरेंस हैज बी मतलब पीछे था सिद्धू मूसेवाला के तो आपने बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था तो सच में यार और उसके बाद भी लॉरेंस ने बोला था जब हमारे घर में के लोग तो मारे जाए तो बार बार लाइक बहुत सारे लोगों को मार दिया जाए तो हम भी ऐसे चुप नहीं बैठ सकते ना कोई कोई क्या बोल सकते हैं कितना भी क्या बोल सकता है डरपोक या व्हाट वी कैन से इतना भी कोई भी अगर ना चाहे कितना भी डर रहा हो तो उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा दैट वाज द थिंग इट वाज लॉरेंस ने यहाँ पे बोला एंड ऑल्सो कि यहाँ पे एक क्लिप दिखाई दिया था कि क्यों लोग लॉरेंस को सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत सारे पहले से चलता हुआ आया है जो किसी ने भी धर्म का साथ दिया है जो किसी ने भी सच्चाई का क्या बोल सकते हैं राह मतलब दे हैव बीन जितना भी हो कि यार सच्चाई और धर्म के साथ चले हैं उनके साथ ही लोग जुड़े हैं चाहे आप बहुत सारे लोगों को देख लो महाभारत में भी देख लो आप या रामायण में भी देख लो या इन हियर दांडी यात्रा राइट तो उसके देन लोग एवरी टाइम धर्म को सपोर्ट करते आ रहे हैं दैट्स व्हाट लॉरेंस बिश्नोई को लोग इतना ज़्यादा चाहते हैं उतना मानते हैं जब ये मेरे को 2017 में ये वाला न्यूज़ पता चला था कि सलमान खान ने ऐसा ऐसा किया है एंड उसके बाद जो न्यूज़ आने लगे सलमान खान के दैट सिक्योरिटी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है वो ये तो मुझे लाइक उस टाइम पे क्यों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इतना मुझे पता नहीं था लेकिन अभी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है कि यार ये लॉरेंस बिश्नोई का जो इन्फ्लुएंस है ही इज लाइक सो पावरफुल आदमी बहुत ज़्यादा क्योंकि उनके जो टीम में हेड फ्रेंड्स है जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है यार सच्ची में और इसके पहले भी मैंने एक एल्विश वाला वीडियो देखा था जस्ट अभी ये वीडियो शूट करने से पहले वो वाला एल्विश वाला थक लाइफ वाला वीडियो हमने देखा था तो उसमें भी एक बोला था गोल्डी ब्रार कोई ऐसा है तो लॉरेंस बिश्नोई का मतलब क्लोज फ्रेंड्स है तो लॉरेंस बिश्नोई और मतलब सलमान खान का ही ऐसा है ना सो गोल्डी ब्रार भी इन काइंड ऑफ लाइक सलमान खान को लाइक ही इज बीन सेंडिंग व्हाट वी कैन से थ्रेट्स एंड एवरीथिंग यार मतलब वो क्यों क्योंकि एल्विश को रुलाया है ना वो एक जब उनके माँ को लाके सो दैट वो एक क्या बोल सकते अच्छा नहीं लगा होगा शायद गोल्डी ब्रार लेकिन यहाँ पे जो वो एक सेंटेंस बोला है ना जो कोई भी लोग अभी तक इतिहास में आए हैं अभी आए हैं धर्म का साथ दे रहे हैं उनके साथ ही लोग होते हैं कोई उनको ही लोग चाहते हैं सो दैट वाज लाइक मैम हाँ यार बस सच बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से चलते आ रहा है ये सब कुछ तो अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो भी कॉमेंट करके बताओ एंड वो खालिस्तान मतलब Why they want to separate, वो भी एक बात बताना मुझे है ना सो या दैट इज इट फॉर टुडे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोज चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आई डी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो प्लीज़ फॉलो दैट टू थैंक यू